आइए हम एक्सरसाइज 1.1 का ही 16वां सवाल देखते हैं। ये प्रश्न कहता है, माना a इज इक्वल टू 1, 2, 3, तब सिद्ध कीजिए, कि ऐसे संबंधों की संख्या, तीन है। जिनमें 1, 2 और 2, 3 है और जो स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है, किंतु सममित नहीं है। आइए इसको देखते हैं, हल करते हैं। हमको सबसे पहले दिया गया समुच्चय क्या है, a इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब हम चूंकि पता है, ये पूछा है ऐसे संबंधों की संख्या तीन है जिसमें ये दोनों शामिल है, तो हमें तो सबसे पहले संबंध जानना पड़ेगा। तो संबंध क्या होता है, सिंस R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो यहां पर हम A क्रॉस A पहले बना लेते हैं। A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड बनाते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3। फिर उसके बाद लेते हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर उसके बाद 3 से लेते हैं 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हमारा A क्रॉस A है। अब स्वतुल्यता के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले कहते हैं ऐसे संबंधक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें एक, दो और दो, तीन तो हो और जो स्वतुल्य हो। तो पहले स्वतुल्य के लिए जो मिनिमम कंडीशन उसको देखते हैं। इसमें स्वतुल्यता के लिए ये तो जरूरी है, इसमें संबंध जो है वो कम से कम उसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तो मौजूद होना चाहिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तो मौजूद होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी अवयव हो सकता है। अब इसमें ये दो अवयव जरूरी है बोल रहा है, ऐसे संबंधित संख्या तीन है जिसमें ये दोनों तो मौजूद हो और जो स्वतुल्य भी हो, स्वतुल्य हो इतने में तो स्वतुल्य है लेकिन ये दोनों भी मौजूद होना चाहिए। तो इसमें दोनों को सम्मिलित कर दें, अवयव 1, 2 व 2, 3 सहित स्वतुल्य संबंध क्या मिलेगा, तो इसको सम्मिलित कर दो तो ये हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और इन दोनों को सम्मिलित कर दो, 1, 2 और 2, 3 को सम्मिलित करो, 1, 2 और 2, 3। वन टू और टू थ्री को मिलाने पर ये स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्यता की परिभाषा आपको पता है कि उसमें ए ए जैसा अवयव तो होना ही चाहिए, उसके अतिरिक्त भी अवयव रह सकता है। अब इसमें संक्रामक भी होना चाहिए बोलते हैं, तो संक्रामक बनाने के लिए
कुछ और करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसे संक्रामक बनाने के लिए, इतने में तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर 2-3 है, 3-3 है, 1-2 है, हम एक अवयव और बढ़ा देते हैं, 1-3 सम्मिलित कर देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा? क्योंकि स्वतुल्य तो होना चाहिए, इतने तक तो स्वतुल्य है, अब संक्रामक भी होना चाहिए। तो संक्रामक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जैसे पहला अवयव आपने सम्मिलित किया, तो हमारा R1 बन गया 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3, और इसमें क्या शामिल कर दिया? 1-3। अब आप देख सकेंगे ये संक्रामक है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। स्वतुल्यता के लिए तो दिख ही रहे हैं आपको, मिनिमम इतना जरूरी है इसमें, 1-1, 2-2, 3-3, उसके अतिरिक्त अवयव रह सकता है, स्वतुल्य तो है। संक्रामक के लिए आप देखेंगे जैसे 1-2 और 2-3, तो अगला अवयव 1-3 इसमें शामिल है कि नहीं है, इधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। 1-2 है तो इसका जोड़ी 2-3। संक्रामक के लिए क्या जरूरी है मैं यहां पर संक्षिप्त में लिख दूं, ए बी मौजूद है और बी सी मौजूद है आर में, देयर एम्प्लाइज ए सी भी मौजूद होना चाहिए। तो देखिए 1-2 इसका जोड़ी 2-3, तो इसमें और क्या होना चाहिए? 1-3 होना चाहिए जो है। यदि हम 2-3 लेते हैं, 2-3 का जोड़ी क्या होगा? 3-3 ले सकते हैं, 2-3 का जोड़ी 3-3 ले सकते हैं, तब उसमें और क्या मौजूद होना चाहिए? 3-3 मौजूद होना चाहिए जो है। यदि हम 1-3 लेते हैं तो 1-3 के लिए जोड़ी क्या दिख रहा है? 3-3 दिख रहा है, तब इसमें और क्या मौजूद होना चाहिए? क्या दिख रहा है? 1-3, 3-3, तो 1-3 मौजूद होना चाहिए जो है। इस प्रकार से ये संक्रामक है। तो दो चीज तो स्पष्ट हो गया, R1 स्वतुल्य व संक्रामक तो मिल गया, किंतु सम्मितता की पहचान, सम्मित नहीं होना चाहिए, इसकी परीक्षण कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सम्मितता के लिए क्या है? ए बी मौजूद है तो बी ए भी मौजूद होना चाहिए, यह देखना है अपने को। यहां पर जैसे हम देखते हैं 1-2, 1-2 बिलोंग्स टू R1, परंतु इसका उल्टा इसमें मौजूद है क्या? 2-1 मौजूद है क्या? इज नॉट बिलोंग्स टू R1, इसका मतलब सम्मित नहीं है, सीधा एक ही पता चल गया। और भी देखना, आप देख सकते हैं जैसे 2-3 ये R1 में है, परंतु 3-2 है क्या? आप देखिए इसमें 3-2 है क्या? नहीं, 3-2 इज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो स्पष्ट है स्वतुल्य व संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। ये पहला, ऐसे संबंधों की संख्या उन्होंने पूछा है 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं होगी, तो एक तो मिल गया। अब हम एक और संबंध जानने के लिए क्या करते हैं कि हम R1 में एक और अवयव बढ़ाकर देखते हैं, R1 में एक और अवयव लेते हैं 2-1, सम्मिलित कर देते हैं, तब क्या देखने को मिल रहा है? मान लो ये नया संबंध मिल गया 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3, 1-3, और इसमें हम और शामिल कर रहे हैं 2-1।
अब इसको देखिए, आर टू वन वन टू टू थ्री थ्री, ए के तीनों अवयव के लिए ए जैसा एलिमेंट है, तो आर टू स्वतुल्य है। अब हम सममित के लिए देखें, सममित के लिए वन वन को उल्टा वन वन, टू टू को उल्टा टू टू, थ्री थ्री को उल्टा थ्री थ्री, वन टू का उल्टा टू वन मौजूद है, ठीक है, वन टू को उल्टा टू वन मौजूद है, लेकिन टू थ्री को उल्टा थ्री टू मौजूद नहीं है, वन थ्री को उल्टा थ्री वन मौजूद नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है, आर टू सममित नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर परंतु बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सममित नहीं है। और संक्रामकता के लिए देखते हैं, संक्रामकता के लिए इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वन टू का जोड़ी टू वन दिख रहा है, ये दोनों मौजूद है, वन टू एंड टू वन बिलोंग्स टू आर टू। अब हमको ये देखना है कि ये वाला एलिमेंट क्या इसमें मौजूद है, देयर एम्प्लाइज वन वन बिलोंग्स टू आर दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर हम और एलिमेंट लेते हैं, कोई और ले लीजिए, टू थ्री लेते हैं, टू थ्री और थ्री से संबंधित थ्री थ्री लेते हैं, ये दोनों आर टू में मौजूद है। अब क्या दिखना चाहिए, टू थ्री, टू थ्री मौजूद है, किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, वन थ्री को ले लीजिए, वन थ्री इसका जोड़ी क्या हो जाएगा, वन थ्री के लिए थ्री थ्री, ये दोनों आर टू में दिख रहे हैं आपको। अब हमको क्या देखना है, क्या वन थ्री मौजूद है, मौजूद है। ऐसे सभी के लिए आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है तीसरा एलिमेंट, ये मिल रहा है, अर्थात परिभाषा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयर एम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर दिख रहा है, अतः यह संक्रामक है, आर टू संक्रामक है। तो दूसरा संबंध मिल गया जो स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अब हम एक और संबंध देखते हैं। अब यदि हम संबंध R में, R1 में पहले वाले संबंध में, इसमें हम दो अवयव और बढ़ा कर देखते हैं, थ्री टू और थ्री वन बढ़ा दें, तब हमें एक नया संबंध वन वन टू टू थ्री थ्री, वन टू टू थ्री वन थ्री, और ये दो और बढ़ा दें, थ्री टू और थ्री वन, थ्री टू और थ्री वन बढ़ा दिया। अब ये देखिए इसमें क्या आर थ्री स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, क्यों है, वन वन टू टू थ्री थ्री मौजूद है, स्वतुल्य है। अब सममितता के लिए देखते हैं, आर थ्री सममित है कि नहीं है देखते हैं, के सममितता के लिए, तो देखिए आर थ्री में सममितता के लिए जैसे वन टू, लेकिन टू वन मौजूद नहीं है, वन टू बिलोंग्स टू आर थ्री परंतु इसका जोड़ी टू वन सममितता के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर थ्री, इसलिए आर थ्री सममित नहीं है। इसका दिख रहा है आपको, वन थ्री का उल्टा थ्री वन दिख रहा है, टू थ्री का उल्टा थ्री टू दिख रहा है, लेकिन वन टू
का उल्टा 2-1 नहीं दिख रहा है, इसलिए सममित नहीं होगा। अब हम संक्रामकता के लिए देखते हैं। R3 के संक्रामकता के लिए अब R3 के संक्रामकता के लिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। 1-2 का जोड़ी 2-3, तो हमें 1-3 इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब हम 2-3 लेते हैं, 2-3 और इसका जोड़ी 3-2, 2-3 का जोड़ी 3-2, जोड़ी कैसे बनता है, 2-3 इसका दूसरा एलिमेंट से चालू होने वाला कोई क्रमित युग्म, ये दिख रहा है 2-3 का जोड़ी 3-2। अब मौजूद क्या होना चाहिए इसमें, 2-2 ये मौजूद है। फिर हम 1-3 लेते हैं, अब 1-3 के लिए जोड़ी 3-1 ले ले, मान लो 3-1 ले सकते हैं या 3-3 ले सकते हैं, तो 1-3 का जोड़ी 3-1। अब हमें इसमें और क्या दिखना चाहिए, 1-1 दिखना चाहिए जो मौजूद है। इसका मतलब R3 संक्रामक है, स्पष्ट है, R3 संक्रामक है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यदि हम अब रह क्या गया, यदि हम R3 को देखते हैं तो छूट क्या रहा है, आप गौर से देखेंगे इसमें 1-1 हो गया, 2-2, 3-3 ये तीनों मौजूद हो गया, 1-1, 2-2 और 3-3 मौजूद है, फिर 1-2 मौजूद है। अब आप देख रहे हैं इसमें कि R3 में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनमें क्या छूट रहा है, 1-2 का जोड़ी 2-1 छूट रहा है। ये यदि हम इसको शामिल कर देंगे 2-1 को तो वह सममित हो जाएगा, जबकि यह क्या बोलता है, किंतु सममित नहीं होना चाहिए। 2-1 को सम्मिलित कर देंगे तो पूरा एक राशि के सारे अवयव मिल जाएंगे और हमें वहां सममित संबंध मिलेगा, जबकि हमें सममित नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अब इससे अधिक संबंध यानी R1, R2 और R3 इससे अधिक संबंध प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से स्पष्ट है, सिद्ध हो जाता है कि ऐसे संबंधों की संख्या जिसमें 1-2 और 2-3 सम्मिलित हो, जो स्वतुल्य हो और संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, वो ये तीन संबंध R1, R2, R3 होगा।